हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ मीरा रसोई स्वागत करती हूँ आपका व्यंजन द कुकरी क्लासेस चैनल पर। आज मैं अपने नानी माँ के खजाने से आपके लिए गुड़ का हलवा लेकर आई हूँ, जो कि सर्दियों की खास मेवा है। चलिए बनाना शुरू करते हैं गुड़ का हलवा। ये हैं आज के इंग्रेडिएंट्स: पानी, आटा, गुड़। ये मैंने बिना मसाले का गुड़ लिया है, देखिए इसका रंग थोड़ा डार्क होता है। देसी घी, ये भी देसी घी है। बेसन, इलायची पाउडर, सूजी और ये ड्राई फ्रूट्स। जैसा कि आपको पता है कि जो गुड़ है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, और इसमें हमने आटा यूज़ करा है। हम इसे आटे का हलवा भी कह सकते हैं या गुड़ का हलवा भी कह सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं गुड़ का हलवा। देखिए, हमने गैस ऑन कर दी है, दोनों गैस हमने जला दी हैं और सिम पर रखा हुआ है। बड़ी कढ़ाई में हम सबसे पहले कम घी डालेंगे और इसके मेल्ट होने का हम वेट करेंगे, और दूसरी कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। हम साथ-साथ गुड़ का सिरप भी तैयार कर लेते हैं, जिसे हम हिंदी में गुड़ का शीरा बोलते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। इतनी देर, जितनी देर गुड़ मेल्ट होता है, हम उतनी देर इसको आटे का भून लेंगे। देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है, हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे। इसे हम भूनना शुरू करते हैं। ये हम कम फ्लेम पर ही भूनेंगे। मैंने देखिए गैस को बिल्कुल सिम कर दिया है। इसमें मेन गुड़ के हलवे में मेन जो है ये इसकी भुनाई होती है। जितनी सिम आंच पे इसकी भुनाई होगी, ये उतना ही अच्छा हलवा बनेगा, और ये हलवा अपने आप में बहुत ही हेल्दी होता है। जैसा कि इसमें गुड़ यूज़ है, आटा है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बीमार व्यक्ति के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद हलवा होता है। देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है पूरी तरह से। अब हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे छान लेंगे, क्योंकि जनरली गुड़ में गन्ने के छिलके या किसी भी तरह का कुछ भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं, वो छानने से निकल जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। ये देखिए लगभग सूजी भुनने ही वाली है। जैसा मैंने बताया है, इसे हमें बिल्कुल कम आंच पर ही भूनना है। देखिए फ्लेम बिल्कुल लो है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन मोटा पतला कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मोटा ही लेना है या बारीक बेसन लेना है, कोई सा भी बेसन आप ले सकते हैं। इसे भी हमें सिम पर ही भूनना है। मुझे तो आटे का हलवा बहुत अच्छा लगता है। जब आप बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आएगी। देखिए कितना खूबसूरत कलर आने लगा है इसमें बेसन का। मेजरमेंट्स आपको मेरे वीडियो के एंड में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बेसन भुनने में लगभग हमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। देखिए हमें बेसन इतना भुनना है। आप इसका कलर देख रहे हैं, हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर बचा हुआ घी ऐड कर लेंगे, जो मैंने दूसरे बोल में रखा हुआ था, उसे भी मेल्ट कर लेंगे घी को। और इसके अंदर अब हम मिलाएंगे आटा। अब आटे को हमें बहुत ही अच्छी तरह भूनना है। अगर आटा कच्चा रह जाएगा तो हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी तक इसे भूनना है। देखिए बिल्कुल हल्का हो गया है ये घी डलने से। और लगातार हम इसे स्टर करते रहेंगे। देखिए हमारा गुड़ का सिरप ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि गुड़ गन्ने से बनता है तो गन्ने के छिलके इसमें रह जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर हो गया है। देखिए हमें लगभग भूनते हुए इसे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अभी इतना ही टाइम इसमें और लगेगा। आप इसका कलर देख सकते हैं, धीरे धीरे चेंज होने लगा है। देखिए
आटा, सूजी और बेसन सब अच्छे से भुन चुका है। इसका कलर चेंज हो गया है, लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। अब यहाँ पर हम गुड़ का सिरप ऐड करेंगे इसके अंदर और फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। देखिए मैंने फ्लेम हाई कर दी है।